अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम बखे मेरे यूट्यूब में चैनल जी टाइकन या इसमें तला एक बाल। सो आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ वो ये है कि मुझे एक मैसेज आया था, एक कमेंट आया था एक्चुअली कि जो ईयरबड्स हैं मेरी इसी ईयरबड के अनबॉक्सिंग के ऊपर कमेंट आया था कि इसकी मैग्नेट लूज को हम कैसे फिक्स करें। तो मैंने उनको कुछ मैंने प्रोसीजर बताया था, लेकिन मैंने फिर सोचा कि शायद कुछ और मसला होगा, तो मैंने इसको खोल के देखा और उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें मैग्नेट लूज कैसे मतलब सही किया जाता है असल तरीका। तो आपके पास कोई सा भी ईयरबड हो, ये वाला हो या कोई सा ईयरपोड हो और उसका मैग्नेट लूज कर गया हो, तो आप इस वीडियो के बाद उसको फिक्स ईजिली तरीके से कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एयर बड का ये बॉक्स है, ठीक है। इसके अलावा देखें इस साइड पे अगर मैं ये पीस लगाऊं तो आपको मैग्नेट की एक वॉइस भी आ रही होगी। देखें ये ऑटोमेटिक ये जो जा रहा है ये मैग्नेट की आपकी वॉइस आ रही होगी। जब अगर मैं इस साइड पे लगाऊं तो ये देखें आप ये सही से पकड़ भी नहीं रहा और चार्ज पे भी नहीं लग रहा। अब इसको पकड़ के रखा तो लग रहा है, छोड़ूंगा तो चार्ज सट जाएगा। तो ये बहुत बड़ा मसला होता है लोगों के साथ, तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब ये फजूल हो गया, अब इसको फेंकना पड़ेगा, वो ये सोचते हैं। लेकिन आप खुद से इसे रिपेयर कर सकते हो। इस वीडियो बनाने का मकसद ही यही है। तो सबसे पहले आपने आपके पास जो भी ईयरबड है और कोई सी भी ऐसी डिवाइस अगर आप खोल रहे हो उसको, तो सबसे पहले ये देखना कि उसमें कहाँ कहाँ पर आपको नट्स दिए हुए। तो इसके अंदर देखो कहीं पर भी नट्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मतलब आपको स्क्रू नहीं है, तो मतलब ऑफकोर्स इसके अंदर जो है लॉक सिस्टम पे इसको बनाया गया है, ठीक है। अब इसको खोलने के लिए तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि इसका सबसे मजबूत पार्ट कहाँ से कहाँ पे, और कोई से ऐसा पार्ट जो वीक हो तो वहाँ पे कम प्रेशर लगाना, वरना वो जगह टूट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहीं से हम इसे ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैंने इसको पहले जब ओपन किया तो कुछ यहाँ पर थोड़ा डेंट वेंट सा आ गया, तो यहीं से ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा सा पेचकस ले लेते हैं, मैं कैमरा फोकस नहीं करता, ठीक है। और इसको जो है ना ईजी तरीके से इधर रख के हल्का सा पुश करेंगे, अरे इससे नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा पेचकस लेते हैं, वो बस काम चलाओ है कर लेगा ये। इसको हल्का हल्का सा ऊपर के साइड पे पुश करते हैं, हल्का हल्का सा चारों साइड से ना, मैं थोड़ा सा जो है थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इजी होके करना है आपको ये काम ना। ठीक है, ये तकरीबन ये खुल गया है। और इसके अलावा मैं इसे हल्का हल्का सा निकालता हूँ, ठीक है। इसको मैं ये कैमरा के एंगल से ना सही दिख रहा नहीं है, तो मैं इसको हल्का सा निकाल लिया। अब जो है ना इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये बाहर आ गया एंड आप देख सकते हो कि मैंने इसको जो है ना एक साइड पे टेप लगा दिया ताकि मेरा कभी ये मैग्नेट ना गिरे, और एक साइड पे मैंने नहीं लगाया तो देखो आप मैग्नेट गिर चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं मैग्नेट निकालता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो अभी इसकी पावर ना काम कर रही है। अगर किसी का जो ये छोटा वसा मैग्नेट है इसकी पावर अगर ख़त्म हो गई है, तो एक बड़ा स्पीकर आता है कोई इस साइज़ का या बड़ा स्पीकर है, तो उसके ऊपर अगर इसको कुछ देर के लिए रख देना तो इसकी जो पावर है वो वापस आ जाती है, ठीक है। और इसको आप देखो कि यहाँ पे एक जगह बना हुआ है मैग्नेट को रखने का, मेरा कैमरा थोड़ा जूम कर नहीं कर पाता जल्दी, तो इसी जगह पे ना इसको रख देते हैं। देख सकते हैं कि मैंने दोनों के ऊपर यहाँ पे टेप लगा दिया है, ठीक है, ताकि ये दोबारा निकल के गिरे नहीं। बाकी इसके ऊपर इतनी नीड नहीं, तो मैंने नहीं लगाई है। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पर जो है ना सर्किट को वापस से लगाना पड़ेगा, तो ये सर्किट है ना इसको मुझे वापस से यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा। तो मैं इसे फ़िक्स करता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अब मैंने इसका टेप वगैरह सब लगा दिया है, ठीक है, और ये समझ जाओ पूरा फिक्स हो गया। अब जो है ना इसको वापस हमें फ़िक्स करना है, तो यहाँ पे ये इसकी पिन निकल गई है, तो इसको मैं यहाँ पे इसकी पिन लगा देता हूँ, ठीक है, ये लग गया है। अब इसके अलावा ये हमारा बेस है और ये हमारा ढक्कन है, ये जो है इसके ऊपर इजी से आके यहाँ पे ये बैठ गया। एंड इसके बाद हम अपने बेस को इसके ऊपर यूँ करके रख देते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से जो ना ईजी से आहिस्ते आहिस्ते करके यहाँ पे पुश करेंगे तो ये फ़िक्स होते जाएगा, ठीक है। फिक्स कर दिया, बस थोड़े से जो ना यहाँ पे निशान आ गए फ्रंट पे, मैंने इसको मतलब तीन चार बार खोले ना इस वजह से। इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहाँ पे सब फिक्स हो गए। इसके अलावा मैं अगर यहाँ पे रखूँ, देखें ये वाला साइड था ये भी ओके हो गया एंड ये वाला साइड भी ओके हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा ना ये देखें आप, ये भी हमारा सही काम कर रहा है मैग्नेट इसका भी,
तो ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट। और यकीन मानो मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ इस डिवाइस को, एंड काफ़ी डेली लाइफ में मैं अपने साथ ही रखता हूँ उसको, और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है हमारे पास। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज़रा से भी हेल्पफुल लगा हो, तो यार लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक के तो यार जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ द बॉय तला इकबाल साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।